हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यू अपडेट लेके आई हूँ जो एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। ये 30 अक्टूबर 2020 के दिन एमसीसी ने दो अनाउंसमेंट की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आने वाले प्रोसेस में बताऊंगी कि कौन कौन से उसने अनाउंसमेंट की थी 30 अक्टूबर 2020 के दिन, जिसमें आपने यहाँ देख रहे होंगे लिख रहा है नोटिस फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अक्टूबर 30, 2020। तो 30 अक्टूबर से रिलेटेड इसमें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें जिससे इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल पर एम्स या फिर अदर स्टेट्स के कट ऑफ से प्राइवेट मेडिकल्स कॉलेज की देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाकर ईजिली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो नोटिस है उसके अंदर आप लोगों के लिए बताया गया है। देखिए, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन रखा है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके अंदर आप लोगों को फिर दिखाया जाएगा। ठीक है, जो नोटिस है वो इस तरीके से है कि हाँ, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड कंडीशन, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा ऑन एमसीसी वेबसाइट एंड कंफर्म द सेम विद कॉलेज वेबसाइट बिफोर ऑप्शन चॉइस। एमसीसी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर चॉइजिंग कॉलेज आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, जिनका बॉन्ड ज़्यादा है, तो प्लीज़ काउंसलिंग करते टाइम आप उसको पहले स्योरिटी के साथ उसको देख लीजिएगा कि उसका काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से है। जैसे यहाँ पर दो मेंशन किया हुआ है कि राजा मुहैया मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु और एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवाग्राम वर्धा, तो इनके जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग जब इसके लिए करना चाहते हो तो आप लोग पहले इनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और यहाँ तक कि अभी उत्तराखंड के कॉलेजेस के जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लीज़ काउंसलिंग से पहले जाने से पहले इस बार इनको देख लें। इसके लिए आप लोगों के लिए एमसीसी ने नोटिफाई किया है। ठीक है, आगे लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर एनआरआई सीट्स ऑफ जिपमर, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जिपमर और डायरेक्टली कंटेंट द कॉलेज रिगार्डिंग टू द मोड ऑफ पेमेंट फॉर एनआरआई सीट्स मे आल्सो बी कन्फर्म फ्रॉम द कॉलेज। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइसिंग ऑन सिस्टम एंड नॉट ऑन मोबाइल फॉर द प्रॉपर रनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा है कि इसमें बताया कि अगर आप जो भी प्रोसेस करें रजिस्ट्रेशन का उसको आप लोगों को लैपटॉप के थ्रू करना है, ना कि मोबाइल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स एंड ऑल द कंसर्न मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ द वीवेर अवेयर ऑफ फेक एजेंट, मतलब इसमें लिखा है कि आप किसी प्रकार से किस तरीके से होना है, आप बिल्कुल एलिजिबिलिटी के साथ आप लोगों के लिए नोटिफाई होने के लिए आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है एमसीसी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, जब भी आप कॉलेज भरें तो आप देख लीजिएगा उसका फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से, आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके वजह से एमसीसी ने नोटिफाई किया। आप सबसे पहले अपने कॉलेजेस देख लीजिए, जो जो कॉलेजेस आप लगा रहे हैं उनके फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से, कौन कौन से इस साल चेंजेस आए हैं, सब कुछ पहले आप उसको एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा कि स्टेट में उसका कितना वेटेज है और ऑल इंडिया के अंदर कितना वेटेज है, उसी के बाद ही आप इसको लगाइएगा। और आप बिल्कुल कन्फर्म करके देखिएगा कि कौन किसके लिए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अवेयर होकर इसको कीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिया था वो था अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके अंदर दिखा हुआ आता है एडिशन ऑफ यूजी सीट्स, कुछ सीट्स के अंदर बढ़ोतरी की गई है। कौन से कॉलेज में की गई है वो दिया गया है बर्धमान। बर्धमान में आप लोगों के लिए कुछ सीट्स इंक्रीज की गई हैं जिसके बारे में इसमें नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है। तो द मेडिकल काउंसिल कमिट हैज रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बर्धमान मेडिकल कॉलेज बर्धमान अबाउट एडिशन ऑफ यूजी एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल इन द एकेडमिक ईयर 2020 से 2021, मतलब 2020 के सेशन में आप लोगों के लिए इंक्लूडेड किए गए एट द इंस्टीट्यूट विच आर इंडिविजुअली नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द कॉलेज ईयरली थ्रू। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें लिखा है कि वर्धमान मेडिकल कॉलेज वर्धमान, इसके एमबीबीएस की सीटें 4 सीट्स बढ़ी है एससी के लिए, वर्धमान मेडिकल कॉलेज वर्धमान इसके लिए 3 सीट्स बढ़ी है एसटी के लिए, और यूआर के लिए बढ़ी है ओपन कैटेगरी के लिए 22 सीट्स बढ़ी और 1 सीट बढ़ी है यूआर पीएच यानी यूआर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, ये सीट्स बढ़ी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो अगर आप लोग, और ये जो बताया ये राउंड फर्स्ट के लिए बताया गया है, नीचे लिखा है दिस सीट्स विल बी अवेलेबल फॉर चॉइस फिलिंग इन राउंड फर्स्ट ऑफ यूजी काउंसलिंग 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।